हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से फाइवर के अकाउंट को हमने बनाना है, सेलर अकाउंट को किस तरह हमने क्रिएट करना है या साइन अप करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने fiverr.com पे आ जाना है। ये आप स्पेलिंग नोट कर लें, यहाँ पे इनका लिंक है fiverr.com। ओके, मैं एक दफ़ा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, FIVER फाइवर। अगर आप फाइवर भी लिखते हैं तो ये टॉप के ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, ये देखिए fiverr.com। ओके जी, तो यहाँ पे आने के बाद आप ये नीचे से भी देख सकते हैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद जो ही आप थोड़ा देर यहाँ पे वेट करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि किससे आपने लॉग इन करना है। कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल के साथ, गूगल है गूगल के साथ, या फेसबुक है तो फेसबुक से कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी के साथ नहीं करना चाहते तो जस्ट यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ दूसरा तरीका कि लेट्स सपोज कि ये पॉपअप शो नहीं होता, तो जस्ट आपने यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है तो अगेन यही आपको शो होगा। अब यहाँ पे हम जीमेल आईडी के साथ इसको लॉग इन करेंगे, ओके सॉरी साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, तो मैं यहाँ पर गूगल के साथ करूँगा। और आगे ये हमसे क्या मांगेगा, बताएगा कि जनाब अपनी जो जीमेल आपकी आईडी वगैरह लगी हुई है वो लगाओ, अगर नहीं लगी हुई तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल वगैरह इंटर करनी है। ओके, मेरे पास ऑलरेडी ये लगी हुई है, मैं इसको यहाँ से इंटर कर देता हूँ। ऑलराइट, ये करने के बाद ये कह रहा है कि ज्वाइन फाइवर, और यहाँ पे ये ईमेल उसने ऑटोमेटिकली ले ली है। और यहाँ पे क्या नाम रखना चाह रहा है फाइवर अकाउंट का, वो भी वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा नाम आप रखना चाह रहे हो। तो आरएस के कोर्सेज यहाँ पे नेम है यहाँ पे, और मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा नेम रख देता हूँ, जैसे कि आरएस के कोर्सेज का मतलब जो मैं कोर्सेज वगैरह करवा रहा हूँ वो ये है। तो यहाँ पर मैं RSK98 को यूज़र नेम यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, कोई यूनिक सा RSK98। और राइट, तो कैरेक्टर 6 वर्ड का होना चाहिए, 986 कर लेते हैं। तो देखते हैं अवेलेबिलिटी है कि यस इट्स अवेलेबल, RSK986, तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया। और यहाँ पर WPRSK हम कर लेते हैं ना, WPRSK98। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ज्वाइन। जो ही ज्वाइन करेंगे तो वो ये कह रहा है कि अपने आप को सर एक्टिवेट करें, आपकी जो ईमेल है वहाँ पे हमने मेल भेजी है, वो भेजने के बाद आप काइंडली इसको हमें बताएं कि ये ईमेल वेरीफाई हो गई है कि नहीं, तो आप अपनी ईमेल चेक करेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, बिकॉज़ अभी तक मुझे फाइवर की तरफ से कोई मेल नहीं आई। तो इसका रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, अभी भी मुझे कोई ईमेल नहीं आई। ओके, जो ही ईमेल आएगी मैं उसको यहाँ से वेरीफाई कर लूँगा। तो अभी तक तो कोई मेल नहीं आई, अब पीछे जाते हैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कोई मेल आई है कि नहीं आई। हम स्पैम में भी चेक कर लेते हैं, बाजू का स्पैम में भी आ जाती हैं, तो यहाँ पे कोई स्पैम में भी मेल नहीं है, इनबॉक्स में भी कोई मेल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीसेंड ई मेल RSKcourses@gmail.com, ये ई मेल थी और मैं यहाँ पर रीसेंड ई मेल करता हूँ। ऑलरेडी अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो कह रहा है कि अकाउंट जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया बिकॉज हमने गूगल के साथ ही लॉगिन किया था। तो मैं यहाँ से इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखें वो वहाँ से यहाँ से जो नोटिफिकेशन शो हो रहा था वो यहाँ से चला गया। ओके, क्योंकि इसने ऑलरेडी इसको कर लिया। अब ये सारा डैशबोर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये ऑर्डर्स ये सारा कुछ यहाँ पे इस तरह का कुछ शो हो रहा है। मुझे कुछ सेलर का शो नहीं हो रहा, ये है आपका बायर का अकाउंट। ओके, सेलर के लिए कुछ शो नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये जो आपका आइकॉन यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही ये आपने बिकम सेलर करना है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइवर का अकाउंट आप साइन इन करेंगे साइन अप करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आप बायर बनेंगे। ओके, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, बाय डिफ़ॉल्ट आप बायर बनेंगे, लेकिन हमें फिर सेलर बनना है, हमने तो अपनी सबसे सेल करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें बिकम अ सेलर, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ये आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा और फिर वो आपने देनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ बिकम अ सेलर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहा है जी हाँ भाई बताओ सर, थोड़ा सा हमें अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो करवाओ ना। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और फिर वो आगे ये हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आपकी आईडी होनी चाहिए, उसके बाद
एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आपकी पिक्चर वाइजें दिखाई देनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, और ये कहता है कम्युनिटीज़ को सिक्योर करने के लिए हम आपसे वेरिफिकेशन भी मांगेंगे, तो आपको वेरिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद ये प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको बता रहा है कि ये सारा कुछ आपने नहीं करना। ओके, आपने किसी को धोखा नहीं देना, किसी को गाली गलोच नहीं देनी फाइवर के ऊपर, किसी के साथ आपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह शेयर नहीं करनी। ऑलराइट, ये सारा कुछ आप नहीं करेंगे जो इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दफ़ा पढ़ भी लीजिएगा एंड देन आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें वो पूछा है, बताओ जी आपका फ़र्स्ट नेम क्या है, तो यहाँ पे आपने अपना फ़र्स्ट नेम ऐड करना है जो आपका फ़र्स्ट नेम होगा। ओके, अदरवाइज कोई भी नाम यहाँ पे आपने अपना ओरिजिनल नेम रखना है, बिकॉज जब ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा तो आपका ये ओरिजिनल नेम मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो ओरिजिनल नेम है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, सो मैं यहाँ पे अपना नेम तो नहीं लिख सकता, कोई और मैं यहाँ पे नेम, लेट्स सपोज कि मैं किसी और का नेम लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी का नेम लिख देता हूँ। ओके, एंड देन ऑलराइट, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे वो कह रहा है कि पिक्चर लगाओ, पिक्चर हम बाद में लगा लेंगे, लेकिन वो रिकमेंड कर रहा है प्रोफाइल पिक्चर आपकी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से कोई सी भी उठा के रख देता हूँ, लेकिन बाद कोई सी भी उठा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फाइवर रिमूव कर देगा। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि फाइवर ऑटोमेटिकली पिक्चर्स को भी रिमूव कर सकता है। सो लेकिन फ़िलहाल अगर कर भी देगा तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली ये देखिए कोई भी पिक्चर उसने लगा देनी है यहाँ पे, एंड देन हम आएंगे नीचे। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे ऐड करनी है अपने बारे में, क्या आप कौन सा काम करते हैं, क्या क्या करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाऊँ जो कि ऑलरेडी एक मेरा बना हुआ है, तो मैं उसको यहाँ से खोल लेता हूँ और साथ बता देता हूँ आपको कि आपने किस तरह से चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है। तो ये देखें, ये मेरा अकाउंट बना हुआ है और ऑलरेडी 3-4 अकाउंट बनाए हुए हैं, लेकिन एक ही कंप्यूटर के ऊपर आपने 3-4 अकाउंट नहीं बनाने। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है इस चीज़ को, कि एक ही अकाउंट के ऊपर 3-4 लैपटॉप के ऊपर 3-4 अकाउंट आपने नहीं बनाने, एक लैपटॉप के ऊपर एक ही अकाउंट होगा। ओके, ये चीज़ आपने देखनी है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये है, ओके, ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये डिस्क्रिप्शन आप कॉपी नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ। पर्सनल इन्फो में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो माय नेम इज़ सैफ, यहाँ से माय नेम को सैफ आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे आपने लिख देना है जो आपका नेम होगा। ओके, एंड देन एंड आई एम सीईओ ऑफ द सर्वाइवर क्रूइंग कंपनी, ये सारा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अगर सीईओ नहीं हैं तो। सो यहाँ पे देखो आगे लिखते हैं, आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर, आई एम आल्सो पैशनेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स ग्रेट, आई हैव ऑलरेडी 5। देखो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन को मोस्टली तकरीबन 10-20% क्लाइंट होंगे जो कि आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को पढ़ते होंगे, बाकी सारे के सारे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं जो आपने दी होती हैं। तो इट डजेंट मैटर आप यहाँ पे, लेकिन अपने बारे में कुछ अच्छा लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले तो इंग्लिश लगाएंगे, बिकॉज ज़्यादातर ऑर्डर जो है वो इंग्लिश में ही आते हैं। और यहाँ पे आपका लेवल क्या है, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, फ्लुएंट है, नेटिव एनिटिव, मतलब आप पैदा ही उन्हीं ममालिक में हैं जिनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। सो यहाँ पे हम ये कन्वर्सेशन रख लेंगे कि नहीं जी हम बातचीत करने के तो काबिल हैं ये। ऑलराइट, इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप एक आधी लैंग्वेज और ऐड कर दें जहाँ से क्लाइंट आते हैं, लाइक जर्मन से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट आते हैं। ओके, तो इसको भी आप ये कर दें। ये गूगल है, गूगल ट्रांसलेटर से भी ना आप इन चीज़ों को ट्रांसलेट कर लिया करें, नॉट अ बिग डील। ओके, तो इसके बाद हम फ्रेंच ऐड कर देते हैं, मोस्टली क्लाइंट वहाँ से भी आते हैं, तो ये एक बेनिफिट रहेगा। जब वो मैसेज वगैरह करेंगे तो आपने जस्ट मैसेज को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने गूगल ट्रांसलेशन पे जाना है और उसको जो है वो ट्रांसलेट कर देना है। फिर आपने अपना जो मैसेज लिखना है उसको उसी ज़ुबान में जर्मन या फ्रेंच में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर देना है। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। ओके, एंड देन कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा है कि बताओ जी आपका ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, तो हम उसे बताएंगे सर कि हम प्रोग्रामिंग एंड टेक के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ जानते हैं। सो मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड टेक कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि बताएं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आपको आती है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमें वर्डप्रेस आते हैं, हमें स्पोर्ट एंड आईटी की चीज़ें भी आती हैं,
हमें वेब प्रोग्रामिंग भी आती है, ई कॉमर्स के बारे में भी हमें पता है, उसके बाद डाटाबेस को भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके बाद हम जो है वो मोबाइल ऐप एंड वेब के बारे में थोड़ा थोड़ा नहीं जानते, ये हम सारा कुछ जानते हैं वेबसाइट बिल्डर एंड CMS के बारे में। लेकिन वो कह रहा है कि जस्ट आपको 5 ही सिलेक्ट करनी है, तो मैं डेटाबेस से हटा के इसको ऐड कर लेता हूँ बिकॉज इट्स नेसेसरी। ओके, ये सब करने के बाद आप आएंगे नीचे स्किल्स के बारे में, कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो वर्डप्रेस की अच्छी खासी स्किल है, तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस लिखेंगे। एंड एक्सपीरियंस जो है वो हम एक्सपर्ट हैं। आफ्टर दैट हम एक और स्किल ऐड करेंगे, वो है हमारी वेबसाइट, वेबसाइट के नाम से कोई नहीं होगी, डिजिटल मार्केटिंग ले लें आप। ओके, या फिर इसी के रिलेटेड हमारी जो स्किल्स हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ओके, इसे SEO रखेंगे एक्सपर्ट लेवल पे। एंड देन हमारे पास जो स्किल है एक, यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाइक कोई भी स्किल आप ऐड कर सकते हैं जो जो आपको आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ये आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट कर दें, इसको ऐड कर दें, इनफ है। उसके बाद आप एजुकेशन, यहाँ पे आपने लिखनी है कि आपकी एजुकेशन क्या है, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, यहाँ से देखो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी आपने ढूंढनी है, और इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कोई इतना बड़ी नहीं है। कॉलेज नेम आपका क्या है, तो यहाँ पर आप कोई भी यहाँ से उठा लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड टाइटल वो पूछ रहा है आपसे, एजुकेशन का टाइटल जो है वो आपने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने किया हुआ है, किधर क्या है हमारा ये बैचलर लेवल का, वो तो है ही नहीं है सर, तो हमने सर MSc की हुई है सिंपल। यहाँ पे आप MSc की हुई है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, वो ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे, MBA MSc। ओके, मेजर सब्जेक्ट क्या है आपका, मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना जिसमें आपने MSc की हुई है, लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हम इसको छोड़ ही देते हैं, ये आई थिंक चाहिए इसको ना, नहीं ये ऑप्शनल है। ओके ओके, एंड देन पर्सनल वेबसाइट कोई है तो उसका लिंक ऐड कर दें, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। लेकिन वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐड मेक श्योर यू हैव ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यस यहाँ पे एक्सपीरियंस आपने ऐड करना है, कब से कब तक आप चल रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है हमने 2016 में 17 में स्टार्ट किया था, और ऑनवर्ड अभी चल रहे हैं, अब तक चल रहा है हमारा सिस्टम सारा, कंटिन्यू कर दो। लो भाई आपका जो है वो अकाउंट बन चुका है, इनमें से आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, ये कनेक्ट करना है करेक्ट कर दें, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेस के लिए, अगर आप प्रोग्रामर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, तो आपको इन चीज़ों के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए। तो मैं जो है वो कनेक्ट करता हूँ स्टैक ओवरफ्लो के साथ, सिंपल एक क्लिक के साथ, गूगल के साथ हमने इसको जो है वो साइन अप कर लेना है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर इसी अकाउंट के साथ हमने इसको भी कनेक्ट कर देना है, ताकि जो कोई क्लाइंट वगैरह आए और उसको पता चले कि वाकई यार ये बंदा तो इन चीज़ों के ऊपर भी अवेलेबल है। सो ये जस्ट वो कहते हैं रोब डालना, इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। ऑल कुकीज़ वगैरह 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 क्रिएट माई अकाउंट, यहाँ पर टेक्नोलॉजी टैग यू इंटरेस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PHP, एंड PHP ठीक हो गया, एंड देन क्रिएट माई अकाउंट, डैट्स इनफ। ऑथराइज कह रहा है, इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ, लो जी अप्रूव भी करो जल्दी जल्दी से। विंडो विल क्लोज ऑटोमेटिकली, विंडो जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। गिट हब से अगर आपने करना है, गिट हब से भी इसको कर देते हैं, लेकिन गिट हब थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके, गिट हब जो है वो आपको लॉग इन गूगल से करने का नहीं कहती, वो कहती है सबसे पहले तो लॉग इन करो ना फाइवर से, ओके, तो फिर जाके करो। अब चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गिट हब क्रिएट एन अकाउंट, अब गूगल का ऑप्शन अगर नहीं देता तो फिर हमें यहाँ पे मैनुअली चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी, गिट हब को छोड़ ही देते हैं। लेकिन फिर भी दिखा दूँगा, कहते चलो अपनी ईमेल एंटर करो, मैं यहाँ पर अपनी ईमेल जो है वो क्या थी ईमेल मेरी, ईमेल है हमारी जनाब, फिर आगे उसने पासवर्ड भी मांगना है और पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और
चलो भाई पासवर्ड क्रिएट अ पासवर्ड कहते हैं, पासवर्ड दो, पासवर्ड दे देते हैं। ओके लो जी, नहीं जी वो अब कहते हैं कि एक नंबर जो है वो आपने बड़ा देना है, तो लो सर स्ट्रॉन्ग हो गया। इंट्रा यूज़र नेम, यूज़र नेम क्या रखें, RSA987। ओके वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट, नो। यार ये क्या है, ये कहता है कि स्टार्ट पजल, अब इसमें बताओ कि सबसे जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो कौन कौन सी है, तो यही है स्पाइरल गैलेक्सी। अब कौन सी है, ये है, चलो जी ये भी हो गया। अब क्रिएट अकाउंट, अब हमारा ये अकाउंट भी क्रिएट हो गया। अब ये अपनी वेरीफिकेशन मांग रहा है वो हमसे, ये बड़े तरीके होते हैं भाई। अपनी ईमेल में जाओ, आपको वेरीफिकेशन कोड आया होगा, ये आ भी गया है वेरीफिकेशन कोड। यहाँ से आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। लो जी पेस्ट भी हो गया। अब जस्ट मी, और कोई नहीं है भाई, जान छोड़ दी अब हमारी। चलो जी मुबारक हो, आपका गिटहब का अकाउंट भी बन गया है। अब ये इनिशियलाइज कर रहा है, रीड ये सारा कुछ यहाँ से कर रहा है। अब क्या करना है हमने, कंटिन्यू। ओके जी गिटहब का अकाउंट आपका बन चुका है। गिटहब का अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे जो फाइवर की प्रोफाइल है आपकी, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और आगे हम करेंगे, ईमेल वेरीफाई है, फ़ोन नंबर अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहता है कि हम आपकी इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करेंगे, ये आपसे ज़रूर मांगेगा फ़ोन नंबर। ओके यू आर ऑलमोस्ट डन, 35% आपकी हो गई है। लेकिन वो कह रहा है कि कम से कम आपकी 35% है, तो कम से कम आपकी जो है 65% तक होनी चाहिए। तो हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कंफर्म ये फ़ोन नंबर, एजुकेशन डिटेल दो, सर्टिफिकेट डिटेल दो, पर्सनल वेबसाइट डिटेल दो। लो जी अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं दोबारा, एजुकेशनल डिटेल में जाके हम इसको थोड़ी सी बता ही देते हैं। यार मैं MSc की हुई है, चल कंप्यूटर लगा लो। कौन सा यहाँ पे तुमने एयर कब है, MSc वैसे की नहीं हुई है, जस्ट इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में यार, MSc ये कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, साइंस में क्या होता है। अवार्ड हमें कौन सा मिला था कोई अवार्ड, आई थिंक अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या मिला था, कोई भी नाम लिख लो, लाइक पंजाब PSP, ओके सर्टिफाइड फ्रॉम PKGOV। ढूंढते रहें ये क्या है, कौन इतनी गौर करेगा। कब मिला था, 2019 में मिला था, ऐड कर दिया जान छुट्टी। ओके जी कंटिन्यू कर दो। उसके बाद सर ये तो हमने कनेक्ट कर लिए थे, ये अभी तक नहीं हुए कनेक्ट, तो कनेक्ट हो चुके हैं। इनका हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। ऑथराइज करें सर, इसको हमने कर लिया हुआ है, ये कनेक्ट हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा यार, छोड़ो। अच्छा जी फ़ोन नंबर वो मांग रहा है, तो फ़ोन नंबर हमें देना पड़ेगा फिर, कौन सा दें। कह रहा है कि ये नंबर ऑलरेडी है, 0304278760। अब इसको देखते हैं, यस ये नंबर अवेलेबल नहीं है फाइवर पे, इसको देखते हैं। कोड आएगा, कोड हमने यहाँ पे ऐड करना है, कोड आ गया है 2578578। लो जी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपके एलिमेंट्री स्कूल क्या है, ये ले जी हमारा एलिमेंट्री स्कूल, जान छोड़ो भाई अभी। वेरीफाई 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 SQT या फिनिश,
लो जी सक्सेसफुली अकाउंट हमारा बन गया है। बहुत सरखपाई करनी पड़ती है फाइबर का अकाउंट बनाने के लिए, तो आपने ये सारे तरीके अपनाने हैं। ओके, फाइबर के जो अकाउंट है जब तक 65% तक कंप्लीट ना हो वो आपको आगे जाने नहीं देगा। तो यहाँ तक तो हमारा अकाउंट अभी वो कैब बन चुका है, और उसके बाद जो है वो हमें कहेगा कि अपना पहली गिग यानी कि अपनी पहली सर्विस ऐड करो। वो किस तरह ऐड करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।